Visual cosmetic and plastic surgeon. Today I am showing you high definition grade 3 gynecomastia liposuction marking. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले कहीं ऑपरेट कराया है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ही ऑपरेट कराएं। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये निशान इनके बनाया गया है यहाँ पे, उसके बावजूद भी यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर वी कैन होल्ड इट। सो आज हम इसको करेक्ट भी करेंगे और मैं आपको बताऊँगा अभी कि कैसे इसका बेस्ट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। हम आपको ओटीवी ले चलते हैं और सारा प्रोसीजर इनका इम्यूनिटी आपको रिजल्ट दिखाएंगे कैसा चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको सर्जरी के पहले दिखाया था, इन्होंने एक पहले एक बार साइड में ऑपरेशन कराया हुआ था बट रिजल्ट नहीं आया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है लोअर जोन है, इसका हम मेनली लाइफ करेंगे। तो हमने बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्लैट हो गया है और यहाँ का जो है हमने ब्लैंड निकाल दिया है, ये निकल गया है क्योंकि काफ़ी सारा ब्लैंड निकला है इनका और काफ़ी सारा फैट भी निकला है, एकदम प्योर फैट। तो अभी आपको कैसा लग रहा है टेस्ट का शेप? अभी बिल्कुल सही है, सही लग रहा है ना? पहले आपने कराया था वो उससे बेटर लग रहा है? उससे बहुत बेटर है, सिमेट्रिकल लग रहा है। अभी जनरल सर्जन के पास जनरल सर्जन के पास जाना नहीं चाहिए, कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाओ, डॉक्टर से आओ, मिलो, कंसल्टेट करो और यहाँ पे आके इनसे अपना इलाज करवाओ। तो ये जो अपने हैं अपने सजेशन दे रहे हैं कि इन्होंने पहले गलती की थी, पहले कहीं और से ऑपरेट कराया था, तो हाफ ऑपरेट किया वो भी ढंग से नहीं हुआ, इन्होंने यहाँ पर करेक्शन करवाया है। रेजी बिना पोस्ट में वैशाली नगर में है, यहाँ पर आप आके अपने जो गाइडिंग में स्टे करेक्ट करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिमेट्री और चेस्ट का शेप आप चाहते हैं वो आपको विद इन वन और हाफ एन हाफ आवर में हम करते हैं, बिना अभी घर भी जा सकते हैं तुरंत। तो ये हमने इसको बहुत ही छोटा स्टेप कर दिया है, ये सर्जरी जैसा भी नहीं लगता और पूरा करेक्शन हो जाता है।